फर्स्ट डे। इंडिया, हाय विक्रम फ्रॉम दिल्ली। शहनाज लाहौर। Analyzing the market trends, I suggest our company should invest in the Indian music industry. Punjabi rap rules, guys. Well, I think Pakistani Sufi is bigger. So you guys are like neighbors back home. Is it like same people, same culture? Yeah. No. They are different. Sirf kehne ko kareeb hai. Right? वैसे इतने भी अलग नहीं है हम। लेकिन हमारी बिरयानी बेहतर है। तो कब बुला रही हैं आप? No matter where you're from, the true taste of Kohinoor will always bring you closer. जागो कंबल प्रेमियों, मेरा नाम है ऋषि रावत। सुबह के 5:30 बजे हैं और मैं जानता हूं कि आप में से कोई भी मुझे नहीं सुन रहा है, लेकिन रोज की तरह एक कप कॉफी और एक ढीट आरजे लगे हुए हैं आपकी एक कॉल के लिए। बट नो ट्रिंग रॉन्ग, आई प्ले द नेक्स्ट सॉन्ग। सुना था जो जागत है वो पावत है, पर यहां तो अकेला ऋषि रावत है। क्या क्या नहीं किया आपसे ये फोन बजवाने के लिए। नो ट्रिंग रॉन्ग, आई प्ले योर नेक्स्ट सॉन्ग। तो एक जोक मैंने सुनाया, अब एक जोक आप सुनाओ। मेरी नई कॉलर ट्यून। दो पासेस फ्री, दो वाउचर्स फ्री, एक छाता फ्री। आज मेरा बर्थडे है, प्लीज फोन करो। पर लगता है किस्मत भी 8 बजे के बाद ही जागती है। कोई सुनेगा नहीं तो फोन कैसे बजेगा। कोई नहीं सुनेगा तभी तो फोन बजेगा। दिन करिए शुरू दिल हल्का करके गुरु, मन की सारी भड़ास यहां निकालिए, नंबर घुमाइए, क्योंकि हमें कोई नहीं सुन रहा। But no ring song, I'll play the next song. RJ Rishi, हमें कोई नहीं सुन रहा ना। Thank you, yes? मेरा बॉस कंजूस, Stay started with Nescafe Mornings, जहां एक कप कॉफी और एक ढीट आरजे फिर भी लगे हुए। Nestle, good food, good life. मट्ठी और अचार। स्वेटर तो पहन। नहीं ठीक हूँ मैं। पता नहीं अब तेरे पापा क्या करेंगे रिटायर होकर। क्यों? बॉम्बे चलोगे आप दोनों मेरे साथ और क्या? नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? करीब 40 साल पहले तेरे पापा भाग के बम्बई गए थे फिल्मों में हीरो बनने के लिए। पापा, ये मिस्टर सिनेमा हॉल मैनेजर हमारे ये हीरो बनना चाहते थे। एक दिन इनका फोन आया, फिल्म में कोई रोल मिला था, बैंगलोर के पास शूटिंग थी। तेरे दादाजी को ये सब पसंद नहीं था ना, कान पकड़कर ले आए और तेरे पापा यहीं सेटल हो गए। ठान लिया था कि हीरो नहीं बने तो कभी बम्बई नहीं जाएंगे। सिनेमा हॉल में नौकरी कर ली, फिल्मों से जुड़े भी रहे और अलग भी।
ओके गूगल, विच हिंदी मूवी वॉज शॉट नियर बैंगलोर 40 years ago? शोले? ओके गूगल, वेयर वॉज शोले शॉट? रामनगरा. नमस्ते पापा. स्वेटर तो पहनो. जी. मैंने कहा ना, तेरे पापा तेरे साथ बंबई नहीं आएंगे. बंबई? मम्मी बंबई नहीं जा रहे, मैं और पापा छुट्टी पे जा रहे हैं. छुट्टी? हाँ. तुम बाप बेटा जानो भाई, तुम्हारे बीच की बात है. तू ये कहाँ पे लेके आया? ये क्या छुट्टी मनाने की जगह है? 40 साल पहले यहीं तो आना था आपको. शोले की शूटिंग यहीं हुई थी पापा, और यहीं कहीं शायद वो फेमस डायलॉग हुआ होगा ना, कितने आदमी थे. हाँ पापा, एक बार आप भी बोलो ना वही स्टाइल में. बोलो ना पापा. पापा पूरी जिंदगी दबाए रखोगे? कितने आदमी थे. एक बार और. कितने आदमी थे. कितने आदमी थे. फेमस गब्बर सीन. पापा कितने आदमी थे. चलो बेटा अब चले. अब इतनी दूर आए हैं पापा तो 3-4 लोकेशंस और देख लेते हैं. रस्म रिवाज लिहाज की बंद खिड़कियां खोल के दिल चाहता है फोन. परिंदा उड़ चला आज अलख बोल के. एक धड़कन सो गई थी कच्ची नींद में, उसे थपथपा के जगा के फिर टटोल के. सपना वो सोने का, सूरज को छूने का फिर से देख ले. भर के उमंगों को फैला के खलबली सॉन्ग रंग दे बसंती. चूम ले देखो. चल बावरे खुद को ढूंढ ले. चल बावरे कश्मीर की गली. कुछ तो निभा खुद से यारियां. चल बावरे खुद को ढूंढ ले. कैसी रही छुट्टी? बढ़िया. पापा कल फिल्म देखें? ठीक. हेलो अंकल. बैठो. कैसे हो बेटा? विकी नहीं दिखाई दे रहा है. आ रहा है. कितने आदमी. हीरो तो आप बन गए, अब तो रिटायर हो गए. हीरो कभी रिटायर नहीं होते पापा. अब तो बंबई चल लो.